2022 जो है वो कैसा रहा? तो जवाब इसका ये है कि काफी भारी रहा। आपका 5 साल आप कम जिंदा रहते हैं बांग्लादेशियों से। आज एक बेसिक चीज जो है वो आटा होती है, उसके ही थैले में 20 किलो के थैले में पूरा 1000 रुपए का इजाफा है। आज भारत अपने हथियार और अपने दमखम में यूरोप में एंट्री मार गया है। कैसे लगता है जैसे पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराने के लिए बकायदा लॉबी हो रही है, बकायदा एक प्रोपोगंडा मुहिम चलाई जा रही है। कहते हैं ना, जय जय हो बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। अब दुश्मनों को तो खुद ही सोचना चाहिए, बजरंग बली के भक्तों से पंगा नहीं लेते। हम जब बैरून मुल्क दौरा करके वापस आते हैं और हम कर्ज लेके आ जाते हैं तो हम समझते हैं हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया। कर्ज लेकर आना आप मईशत को मजीद दुमाने के मुतरादिफ हैं। भीख मांगते फिर दरवाजे दरवाजे पे जाकर हमें बचा लो, हमें अल्लाह का वास्ता बचा लो। सऊदी अरब के पास जाते हैं वो आपको ना कर देता है, चाइना के पास जाते हैं वो आपको ना कर देता है, किसी और से आप मांगने के काबिल नहीं जाएंगे। किससे आप मांगेंगे? हर एक से तो हम लड़े हुए हैं। उन्होंने कभी सोचा था कि ऐसा दिन आएगा कि हमें भारत के ड्रग्स को ब्लैक मार्केट से दुनिया भर से उठानवाना पड़ेगा और उससे चाइना का आदमी बचेगा? अफगान तालिबान कमांडर कह रहा है खुदा जाके देखे इन लोगों को कौन फतह करना चाहता है, इनके कर्जे इतने हैं कि हम दे ही नहीं सकेंगे अगर हमारे उनका जमीन हमारे हाथ में आ जाए। आज ऐसा कर्म का ऐसा साइकिल चला, आज इनके यहाँ एंटीवायरल ड्रग जो चाहिए दुनिया भर से इंडियन दवाई उठा उठा के मंगवा। जफर हिलाली साहब, दहशतगर्दी के वाकयात पर काबू ना पाने की वजूहात क्या है और क्या वजह है कि आज भी पाकिस्तान दहशतगर्दों के लिए एक आसान टारगेट है? देखिए, आपको मैं क्या कह सकता हूं, जब मैं आपको कहता हूं कि 500 मिलियन डॉलर का एक फेंस बनना था जिसमें अब तक मेरे ख्याल में 350 मिलियन डॉलर खर्च हो गया है। अब वो फेंस खुला, तहरीके तालिबान पाकिस्तान और टीटीपी दोनों जाके उखाड़ रहे हैं, हमारा क्या रिएक्शन हो रहा है? हम क्यों नहीं करते कुछ या कर नहीं सकते? अगर नहीं कर सकते तो लगाया क्यों? या करना नहीं, अगर नहीं वही कर तो नहीं रहे तो हम नहीं कर सकते ना, करना चाहते नहीं है, जरूर चाहते हैं, मेरीबिलिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, नहीं करना चाहते हैं, नहीं कर रहे हैं आप। 111 इंसिडेंट्स हो गए हैं। देखिए मैं समझ नहीं आ रही है मुझे कि इनका ख्याल और सोच विद रिगार्ड टू अफगानिस्तान क्या है। हम अपने आप को कन्विंस कर रहे हैं कि ये हमारे भाई हैं। अब पता है अफगानिस्तान एक, अब देखें आपको आया होगा एक वीडियो जिसमें एक अफगान तालिबान कमांडर कह रहा है खुदा जाके देखें इन लोगों को कौन फतह करना चाहता है, इनके कर्जे इतने हैं कि हम दे ही नहीं सकेंगे अगर हमारे उनका जमीन हमारे हाथ में आ जाए। ये कह रहे हैं कि हमने ड्यूरम लाइन एक्सेप्ट नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब्दुल रहमान ने कहा था ब्रिटिश को कि हमें एक बॉर्डर दो और उन्होंने कहा ये लो तुम्हारी ये बॉर्डर। उन ब्रिटिश नहीं मांग रहे थे, वो कह रहा था उनको बॉर्डर दो। ऑन दैट बेसिस ठीक है, 100 साल के लिए दिया था, ठीक है 100 साल के बाद वो एक्सपायर हो गया, मगर अब तो वो ओपनली तालिबान तहरीक तालिबान क्लेम करते हैं कि अटक तक हमारा बाउंड्री है और ये कहते हैं नहीं 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 हम भाई भाई हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। आज हमारी कूटनीति की एक और विजय हुई है। अब आप पूछेंगे कैसे? साइप्रस में मैं 2 साल बैठे हुए रह चुका हूँ तो इसलिए साइप्रस को अच्छी तरह से समझता हूँ, सारे घरी कोचों से वाकिफ हूँ। साइप्रस जैसे छोटे मुल्क में भारत का विदेश मंत्री 2 दिन रहना, एक दिन लिमासोल में और एक दिन निकोसिया में, मतलब ये इनके बीच में जो डिस्टेंस है 1 घंटे का है भाई कार। यहाँ जयशंकर साहब ने 2 दिन बिताए, जयशंकर साहब जैसे बड़े व्यक्ति जिनकी मिनट मिनट की कीमत है, मिनट मिनट का हिसाब है, वो 2 दिन लगाए वहां। फॉरेन मिनिस्टर से मिलते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो उनका मान लीजिए जो कांग्रेस कैंडिडेट लेडी उनसे मिलते हैं और मिलिट्री और डिफेंस पैक्ट साइन करते हैं। इसका मतलब क्या है? पहला मतलब है भारत का बढ़ता हुआ वर्चस्व यूरोप में भी। भारत इससे पहले यूरोप में कदम नहीं लग रहा था, डायरेक्टली इंटरव्यू नहीं कर रहा, आज भारत अपने हथियार और अपने दमखम में यूरोप में एंट्री मार गया है, डंके की चोट पे 2 दिन रह रहे वहां पे। और हमारा जहां तक मेरी बुद्धि मुझे मेरा दिमाग मेरा साथ देता है, आई थिंक 1962 से हमारे साइप्रस से संबंध है और फिर उसके बाद जयशंकर साहब ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे, वहां उससे भी पुराना संबंध है, करीब 75 साल 72 साल से ऑस्ट्रेलिया से संबंध है हमारा।
और ये 27 साल में पहले ऐसे विदेश मंत्री को जो ऑस्ट्रिया जाएंगे। देखिए ऑस्ट्रिया एक नॉर्मल चीज है, तो मतलब मैं जो इस चीज से इसको देख रहा हूँ रोहित भाई, ये यूरोप में हम अपना पलचम लहरा रहे हैं, मिडिल ईस्ट में हम है, अफ्रीका में हम है, साउथ अमेरिका में हम है, और कहीं ना कहीं हम यूरोप में भी अपना परचम लहरा रहे हैं। अर्धोगन की